मेरा नाम मोहम्मद जुल्फकार। मोहम्मद जुल्फकार जी कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ के रहने वाले। सरकार तो मोदी जी की दिख रही है। मोदी जी की और क्या, क्यों दिख रही है मोदी जी की? भाई सब सबका विकास सबका रुकार हो रहा है, मोदी जी के तरह ही हो रहा है। काम किए मोदी जी ने लगता है? अरे घर घर में सिलेंडर मंगा दिए, घर घर में राशन फ्री, सब चीज मोदी जी कर रहे हैं। कौन कर रहा है फ्री? उसका लाभ मिल रहा है आपको? लाभ मिल रहा है। तो फिर से हैट्रिक बनाना चाहते हैं बीजेपी? हालात तो ऐसे लग रहे हैं। बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आएगी, बीजेपी ही आएगी और 370-380 तक सीट्स आएंगी। बीजेपी की या एनडीए की? यस एनडीए की। और यूपी के अंदर 70+ होना चाहिए। 70+ पहले यही होता था कि योजनाएं केवल कागजों में चलती थी, जमीन पर कुछ दिखता नहीं था, धरातल पर कुछ दिखता नहीं था। लेकिन अभी कुछ सालों से योजनाएं धरातल पर उतरी हैं और जैसे हम चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, वो डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं लोगों के पैसे। अगर हम राशन की बात करें, अभी सभी लोगों को सही से राशन मिल पा रहा है। तो योजनाएं जो केंद्र सरकार से अभी स्टार्ट हुई हैं योजनाएं, या कोई भी है, अभी हमने सुना है कि फ्री सोलर मुफ्त बिजली यूनिट वाला होगा, तो वो भी योजना देखो शायद धरातल पर उतरे। तो लोगों को इसीलिए लोग जुड़े हैं बीजेपी से ज़्यादा, क्योंकि योजनाओं का लाभ उनको डायरेक्ट मिला है, पहले नहीं मिलता था, तो इसीलिए लोगों का जुड़ाव उससे हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही दिख रही है। अभी समाजवादी पार्टी सांसद नहीं बना पाई अपना? मुझे इसका ध्यान नहीं है सर, है कि नहीं शायद, और शायद आगे होगा भी नहीं। आगे भी नहीं, नहीं होगा। अखिलेश यादव की तमन्ना अब चाहिए ही नहीं? और राहुल गांधी? फिलहाल वो भी नहीं चाहिए, अगर फिलहाल जो सही चल रहा है उसी को चलाया जाए, सही है ना? ठीक ठीक। बहुत मोदी की आएगी और किसकी आएगी? क्यों राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे? अरे वो वैसे ही नहीं आना, सबन्ना पता है, मोदी आएगा वो तो आएगा बिल्कुल। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव का पब्लिक सर्वे लगातार जारी है, इसी बीच आज हमारी टीम आ पहुंची है अलीगढ़ में। जी हां, अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो पिछले 10 साल से यहां पर बीजेपी को जो है जीत प्राप्त हो रही है। इस बार जो है बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ है, उसका भी खासा प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी बीच आपको बता दें, ये वो सीट है जिस पर लगातार समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी तो हर बार उतारा, लेकिन अब तक जो है जीत का स्वाद समाजवादी पार्टी यहाँ से नहीं चख पाई है। बल्कि अगर बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की भी बात की जाए तो इस सीट से केवल एक ही बार उनको जो है वो जीत प्राप्त हुई है। इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें 20 लाख मतदाता जो हैं वो यहां से वोट डालेंगे और अलीगढ़ में ही हम मौजूद हैं। और आइए बात करेंगे यहां पर लोगों से, उनकी राय जानेंगे, उनको क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर के, उनकी क्या राय है, किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों। आइए बात करते हैं यहां पर जो लोग हैं इस समय शहर में हम मौजूद हैं कि वो क्या कहते हैं चुनाव को लेकर के। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फकार। मोहम्मद जुल्फकार जी कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ के रहने वाला हूँ। अलीगढ़ के रहने वाले। चुनाव आ गया लोकसभा का बहुत नजदीक, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार है? सरकार तो मोदी जी की दिख रही है। मोदी जी की और क्या, क्यों दिख रही है मोदी जी की? भाई सब सबका विकास सबका रुकार हो रहा है, मोदी जी के तरह ही हो रहा है। काम किए मोदी जी ने लगता है? अरे घर घर में सिलेंडर मंगा दिए, घर घर में राशन फ्री, सब चीज मोदी जी कर रहे हैं। कौन कर रहा है फ्री? उसका लाभ मिल रहा है आपको? लाभ मिल रहा है। फिर से हैट्रिक बनाना चाहते हैं बीजेपी? हालात तो ऐसे लग रहे हैं। अच्छा, इस सीट से कभी समाजवादी पार्टी को जीत प्राप्त नहीं हुई है? लेकिन सांसद में इसमें नहीं हुई है, विधायक में ही हुई है। विधायक में हुई है जी। तो इस बार क्या लग रहा है, अखिलेश यादव चाहते हैं कि यहाँ से कुछ खुले, खाता खुले मगर हो नहीं पाता, या नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो बीजेपी पर इतना क्यों भरोसा? बड़े आते हैं जो कम से कम 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ सांसद की सीट बीजेपी की जाती है। अभी मैं 2009 के टाइम पे बीएसपी के पास गई थी, वो किसकी गई थी? मेयर की नहीं, इसकी एक बार ये इनकी भी गई थी। अच्छा तो क्यों ऐसा? एक बार हाथी पे गई थी, यहाँ थी हाथी पे गई थी। अच्छा तो क्या लग रहा है, प्रदेश में अभी योगी सरकार भी है, 7 साल हो गए, उधर मोदी सरकार है, तो दोनों का कुछ तालमेल से कुछ बढ़िया काम हो रहा है, कुछ डबल इंजन? दोनों का बढ़िया काम हो रहा है, जब भी तो इनको इनकी सपोर्ट हो रही है, बढ़िया काम हो रहा है, जब भी तो सपोर्ट हो रही है। योगी जी के बारे में क्या? योगी जी भी बढ़िया है, बढ़िया कर रहे हैं। कितनी सीटें लग रहा है इस बार? इसका मुझे नॉलेज नहीं है भाई, सीट फीट का अंदाज नहीं करता। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मोदी? हाँ, सरकार तो मोदी जी की आ गई। चलिए चलिए, आप खाते रहिए, कचौड़ी में खा के आया, बहुत बहुत बढ़िया कचौड़ी आया अलीगढ़ की। आपका क्या नाम हुआ? हेमंत कुमार। कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ से ही हूँ। अलीगढ़ के ही हैं। आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार, किसकी सरकार? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी,
बीजेपी ही आएगी और 370-380 तक सीट्स आएंगी बीजेपी की या एनडीए की? यस एनडीए की, और यूपी के अंदर 70 प्लस होना चाहिए। 70 प्लस जाएगी, बात कर रहे हैं आप 70 प्लस जाएगी जाएगी। आप माहौल देखिए, आप यू कैन आस्क एनीबॉडी, वही एक एक करके बॉडी विल टेल यू अबाउट बीजेपी। क्या कारण है इतना, क्यों स्ट्रॉन्ग अभी बीजेपी के साथ है 10 साल होने के बाद? अभी काम दिखना स्टार्ट हुआ है जमीन पे, जैसे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर आप रेलवे स्टेशन को लीजिए, मैं केवल अलीगढ़ की बात करूंगा, अलीगढ़ के स्टेशन को आप पहले 3 साल पहले देखना, अभी देखना कितना चेंज है। अभी रोड्स वगैरह का एक जो मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रेन रूट दिया है, तो बैठन कॉरिडोर है ये पूरा मालगाड़ी के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो अभी काम दिखना स्टार्ट हुआ है, तो देट विल टेक बीजेपी टू लॉन्ग टाइम। फायदा यानी कि इसका दिख रहा है, अब फायदा देखना स्टार्ट हुआ है। पहले लोगों को नहीं दिख रहा था कि क्या कर रहा है, लेकिन अभी लोगों को नज़र आ रहा है। तो बीजेपी आएगी, बढ़िया से आएगी। एनडीए विल गेट 370 सीट्स एंड फ्रॉम यूपी इट विल टेक मिनिमम 70 सीट्स। तो इसमें मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, कोई योगी की भी बात कर रहा है कि इधर योगी उधर मोदी, तो योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका फैक्टर इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। योगी जी अब केवल, क्योंकि बीजेपी अकेला यूपी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पूरी देश की इकोनॉमी में भी और सीट्स वाइज भी। अभी देखो जो यूपी है सेकंड नंबर का इकोनॉमिक में आया है, जो इकोनॉमी है यूपी की दैट इज गोइंग इन सेकंड नंबर। सो अभी अगर आप टोटली देखोगे तो केवल सीट्स में नहीं, पहले क्या होता था केवल बीजेपी यूपी को सीट्स के लिए देखा जाता था या प्राइम मिनिस्टर कितने दिए हैं ये देखा जाता था, लेकिन अभी आर्थिक रूप से भी विकास देखने को मिला है और योगी जी का एक बड़ा चेहरा बन करके उभरे हैं। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर में उन्होंने काम किया है वो देखने को सबको मिल रहा है, तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट, उसका प्रभाव पड़ेगा जरूर। यहाँ से कभी सपा को जीत प्राप्त नहीं हुई है, अखिलेश यादव के लिए हमेशा सूखा रहा है इस सीट। नहीं ऐसा नहीं है, पहले यहाँ से एमपी की सीट एमपी, हाँ क्योंकि दो ही सीट हैं यहाँ पे और उनमें से सपा को तो नहीं मिली है, और इसमें इस चुनाव में भी सपा को ज़्यादा है नहीं, नहीं है, नहीं है। कांग्रेस के साथ जाके भी फायदा नहीं दिख रहा है, कांग्रेस के साथ में बात कहाँ बनेगी फिर, क्योंकि जीतेंगे है नहीं, तो लोग भी उसको ही सपोर्ट करते हैं जो जीतने वाला है, उन्हीं के साथ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आइए जी। क्या नाम हुआ आप? रघुराज। रघुराज जी कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ से ही है, मेलरोस से। अलीगढ़ से ही हैं आप, तो अभी क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? माहौल बीजेपी के फेवर में ही बना हुआ है, इसमें कारण बहुत सारे हैं। जिस तरह से ग्रोथ की बात हो रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, और 47 में भी सोच रहे हैं कि नंबर 1 की तरफ जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो बीजेपी 10 साल में जहाँ तक लेके आई है 30 या 40%, अभी 50% काम बाकी है, तो बीजेपी के साथ ही युवा जाना चाहता है। कुछ कमियां भी हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं क्योंकि सारी चीज़ें बढ़िया हैं, क्योंकि आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस के इतने दाम 1/4 रह गए, इन्होंने वो फ़ायदा जनता को नहीं दिया है। सिलेंडर की बात करें या चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो पहुँचनी चाहिए गरीब तक, बाकी बीजेपी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा है, कई चीज़ें हैं, देश भावना तो है ही है। बाकी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं जिस तरह से मोदी जी ने अपनी बातों को रखा है और वहाँ पर तवज्जो दी जाती है, तो मोदी जी के साथ है शुरू से ही और बने रहेंगे आगे भी। मोदी जी का आपने जिक्र किया 10 साल का, 7 साल से यहाँ योगी सरकार भी है, तो मोदी योगी सरकार को मिला के देखेंगे तो उसका कुछ बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा? बेनिफिट हो रहा है सर कई तरीके से, क्योंकि इन्वेस्टर्स को जो योगी जी हैं जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और पॉजिटिव माहौल बन रहा है इन्वेस्टर्स को, और जहाँ पर जैसे NOC दी जाती थी उसमें 5-5 साल लग जाते थे, योगी जी 1 साल में 6 महीने प्रोवाइड करा रहे हैं, पीछे भी देखा गया है। तो अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो यानी कि उससे यहाँ के लोगों को सहूलियत होगी, जो आपने डिफेंस कॉरिडोर की भी बात की, अब यूपी को तो डिफेंस सेक्टर में भी अब देखा जा रहा है काफ़ी आगे जा रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल, और यहाँ पे अलीगढ़ में ही बात करें पिछले 3-4 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे, जैसे स्मार्ट सिटी है यहाँ पे, कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर बना है, काफ़ी सड़कें, लाइट्स सब कुछ ठीक है, और आने वाले समय में आशा करते हैं अच्छा होगा। कल्याण सिंह जी का इन्होंने नाम लिया तो वो भी यहीं के थे, कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, और भी लोग हैं उनसे बात करें। आपका क्या नाम हुआ? मुकेश। मुकेश जी कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ का ही। अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं, अभी चुनाव आ गया पता आपको? हाँ जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? योगी जी आने चाहिए दोबारा। योगी जी? हाँ जी। अच्छा क्यों, क्यों चाहिए योगी जी? क्यों, काम बढ़िया चल रहा है उनका, हिसाब किताब भी बढ़िया चल रहे हैं उनके, हर कुछ बढ़िया कर रहे हैं वो। योगी जी वाला तो चुनाव हो गया, ये मोदी जी वाला चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है।
हाँ तो योगी जी और मोदी जी एक ही समझ लो एक ही बात है, दोनों में तो एक तो बैठना चाहिए दोबारा। बढ़िया बढ़िया, यहाँ योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ जी, राशन फ्री है, सब कुछ फ्री हो गया है, मगर सही। और लोगों के पास मैं जाना चाह रहा हूँ, एक आपसे कमेंट लेना चाहता हूँ, योजनाएं जो देखिए कही जाती हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, योजनाओं का धरातल पर अलीगढ़ पर क्या कुछ प्रभाव है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? पहले यही होता था कि योजनाएं केवल कागजों में चलती थी, जमीन पर कुछ दिखता नहीं था, धरातल पर कुछ दिखता नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों से योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। और जैसे हम चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, वो डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं लोगों के पैसे। अगर हम राशन की बात करें, अभी सभी लोगों को सही से राशन मिल पा रहा है। तो योजनाएं जो केंद्र सरकार से अभी स्टार्ट हुई हैं योजनाएं, या कोई भी है, अभी हमने सुना है कि फ्री सोलर मुफ्त बिजली यूनिट वाला होगा, तो वो भी योजना देखो शायद धरातल पर उतरे। तो लोगों को इसीलिए लोग जुड़े हैं बीजेपी से ज़्यादा, क्योंकि योजनाओं का लाभ उनको डायरेक्ट मिला है, पहले नहीं मिलता था, तो इसीलिए लोगों का जुड़ाव उससे हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही दिख रही है। ठीक ठीक, धन्यवाद। देखिए यहाँ अभी जिस जगह मैं हूँ, कचौड़ी यहाँ गर्मा गर्म बन रही है, और रात सुबह भी हमने गर्मा गर्म कचौड़ी खाई है अलीगढ़ की, शानदार एकदम। सर आपका क्या नाम हुआ? ये संजय सिंह। कहाँ के रहने वाले संजय? अलीगढ़ से। अलीगढ़ के ही रहने वाले। कचौड़ी बहुत यहाँ मैं देख रहा हूँ, सब जगह कचौड़ी बहुत दिख रही है। सर ये बात ये कि थोड़ा सस्ते में और सब लोग उसे खा सकते हैं, मैनेज कर सकते, ले सकते हैं। चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का तो सही माहौल लग रहा है, जाहिर सी बात है, योगी मोदी जी थे, मोदी जी ही आएंगे। तीसरी बार एक बार और कांग्रेस कह रही है अब तो 5 साल के लिए हमको मौका दे दो, 10 साल दे दिए। वो पहले भी तो मौका ही दिए थे उनको, अब योगी जी उनको मोदी जी को दिया है, तब की बार मोदी जी को फिर दोबारा से देंगे, जो काम करेगा उसी को देंगे ना। क्या काम पसंद आया आपको मोदी जी? फिलहाल तो सारे काम में जैसे कि डायरेक्टली जैसे आप किसान सम्मान निधि चली है, उन्होंने चलाई है, डायरेक्ट किसानों के खातों में पैसे आते हैं। पहले क्या था, पहले सिस्टम अलग था, पहले ये आते ही नहीं थे, प्रधान है प्रधान ही खाते हैं, कुछ खाते हैं, पता ही चलता था योजना आई है नहीं आई है। अब डायरेक्टली योजना आती है और मालूम पड़ता है पब्लिक को क्या है क्या नहीं। वो तो राजीव गांधी भी एक बार कह चुके थे कि 1 रुपया भेजो 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा तो बीच में रह जाता है। हाँ, ये पहले ही था, लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम सुधर गया है, डायरेक्टली पहुँच रहा है, किसानों को भी मिल रहा है और पब्लिक को भी। वो जैसे अब राशन है, राशनों को बड़ा घालमेल हुआ करता था कि राशन आज बांट दिया कल मिला ही नहीं, किसान खत्म हो गया 2 दिन बाद है ही नहीं है। अब कम से कम ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ पर जाएगा थम लगाएगा मिलेगा उसको, जब जाएगा तो मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। उसमें भी देख रहे हैं जैसे अब तो सब बायोमेट्रिक, अब वो कम हो गया। हाँ वो बहुत कम हो गया सर, वो है ही नहीं है। अब इसे फोकस किया उनने, बहुत बढ़िया करा काम, भी आगे भी ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया काम ही करेंगे, जाहिर सी बात है। इसीलिए पब्लिक भी चाहती है कि मोदी जी सरकार आए फिर दोबारा। बिल्कुल सर। अलीगढ़ में कभी समाजवादी पार्टी सांसद नहीं बना पाई अपना? मुझे इसका ध्यान नहीं है सर, है कि नहीं शायद, और शायद आगे हुआ भी नहीं, आगे भी नहीं, नहीं होगा। अखिलेश यादव की तमन्ना अब चाहिए ही नहीं, और राहुल गांधी फिलहाल वो भी नहीं चाहिए, क्या फिलहाल जो सही चल रहा है उसी को चलाया जाए, सही है ना। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम हुआ? विपिन शर्मा है। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? मोदी की आएगी और किसकी आएगी? क्यों राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे? अरे वो वैसे ही नहीं आना, सबन पता है मोदी आएगा, वो तो आएगा बिल्कुल। क्यों पसंद है मोदी? अरे हमें का सवर्णिंग पसंद है भाई साहब।